हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर वीडियो लाई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर, देन वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्मूले से। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एम एक्स एन वाई आ जाएगा। अब दोनों साइड में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही एन स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब टू एम एक्स एन वाई को दूसरी साइड में लाएंगे तो ये प्लस से माइनस का हो जाएगा, तो माइनस टू एम एक्स एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इट इज़ इक्वल टू एम वाई माइनस एन एक्स होल स्क्वायर। सो एम वाई माइनस एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। अब m और n को ट्रांसपोज करेंगे तो y अपॉन n इज इक्वल टू x अपॉन m आ जाएगा एंड इट इज़ गिवन इन a ऑप्शन। सो a ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्वांटिटी m वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ n। सो m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और एम इज इक्वल टू के अपॉन एन स्क्वायर वेयर के इज़ अ कॉन्स्टेंट। अब हम इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। एम इज इक्वल टू फोर और एन इज इक्वल टू थ्री, एम इज इक्वल टू के अपॉन एन स्क्वायर में रखने पे हमें फोर इज इक्वल टू के अपॉन थ्री स्क्वायर मिल जाएगा। थ्री स्क्वायर इज नाइन। अब नाइन को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो k इज इक्वल टू नाइन इंटू फोर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो k की वैल्यू को हम रख देंगे तो m इज इक्वल टू 36 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। अब हमसे n इज इक्वल टू 6 पर m की वैल्यू पूछिए, तो हम n इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो m इज इक्वल टू 36 अपॉन एन स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे 36 को, फिर 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक